पूजा पब्लिक खबर और मैं हूँ अर्जिता। अभी तक आपने रंजिश और बदला लेने की कई कहानियां सुनी और देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से जो मामला सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला और डरा देने वाला है। इस रियल लाइफ बदले की कहानी एकदम फिल्मी है। इस बदले की कहानी में चार किरदार हैं। पहला, बदले की आग में झुलसता एक पति और उसकी पत्नी का बलात्कार करने वाले तीन लोग। इन्हीं तीन बलात्कारियों में से एक को उस बेबस और दुखी पति ने कुछ इस तरह मौत के घाट उतारा कि आज पूरा देश इस हत्याकांड के सामने आने के बाद हैरान है। उस शख्स ने अपनी पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म करने वालों में से एक को इस तरह मौत के घाट उतारा कि उसके चिथड़े उड़ गए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम में रहने वाले सुरेश लोढ़ा की, जिसने पत्नी के दुष्कर्म का बदला लेने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। आरोपी सुरेश ने डेटोनेटर लगाकर पत्नी के बलात्कारियों में से एक लाला सिंह की दर्दनाक हत्या कर दी। इस खूनी कहानी की तह में जाने के लिए एक साल पीछे चलना होगा। दरअसल मृतक लाला सिंह ने भंवर लाल और दिनेश के साथ मिलकर एक साल पहले आरोपी सुरेश की पत्नी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सुरेश ने मौके पर पहुंचकर पत्नी को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो तीनों दोस्तों ने उसे धमकी दी और कहा कि FIR की तो जान से मार देंगे। सुरेश उस वक्त तो धमकी से डर गया और पुलिस के पास नहीं गया, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने पत्नी की अस्मत लुटते देखी थी। उसने कसम खा ली थी कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो अंदर ही अंदर इंतकाम की आग में जल रहा था। 6 महीने तक वो चुप रहा और आरोपियों के बेपरवाह होने का इंतजार करने लगा। गांव का ही एक व्यक्ति सुरेश, पिता रमेश लोढ़ा, जो रत्नागढ़ खेड़ा का ही रहने वाला है, वो घटना के करीब अपने बच्चों को ससुराल भेज दिया था और घटना दिनांक को वो गांव में ही था, लेकिन घटना मजदूरी करने के बाद शाम को वो अपने वाइफ के साथ में कांवरिया जी दर्शन करने चला गया। लोकेशन डिटेल निकाली गई तो पता चला कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। इससे पुलिस को शंका और गहरी हुई। फिर इसके संबंधित ठिकाने जहाँ भी इसके रिश्तेदारी है उसकी तलाश की गई, वहाँ दबिश दिया गया, तो उससे ये तथ्य आया सामने, ये जो सुरेश है ये बावरेचा करके जगह है मंदसौर में, जहाँ पर ये अपनी पत्नी के साथ में था, जहाँ से पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उससे पूछताछ किया गया तो उसने घटना को अंजाम देना कबूला कि उस घटना को अंजाम इसने दिया है। इनफैक्ट जो 6 माह पूर्व घटना हुई थी पूर्व सरपंच के साथ, वो भी इसी ने किया था। इससे पूछताछ करते कि भाई इसका उद्देश्य क्या था और किस तरह घटना को अंजाम दिया। इसका कहना है कि लगभग एक वर्ष पूर्व जो मृतक लाल सिंह है और भंवर लाल जो कि पूर्व सरपंच है और दिनेश, इन तीनों ने मिलकर इसकी वाइफ के साथ सामूहिक, इसमें देखा जाए तो जो 302 का मामला है उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक तो सुरेश लोढ़ा है और दूसरा बद्रीलाल पाटीदार है, ये जो सप्लायर है डेटोनेटर और जिजेटिंग के। इसके अलावा जो दूसरा मामला है 376D का कायम हुआ है, इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक तो भंवर लाल जो पूर्व सरपंच है और दूसरा दिनेश। इसी दौरान उसने टीवी पर देखा कि नक्सली डेटोनेटर और जिलेटिन छड़ का उपयोग करके जवानों पर हमला करते हैं, जिससे शरीर के चिथड़े तक उड़ जाते हैं। रतलाम जिले में डेटोनेटर और जिलेटिन आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ कुएं बनाने से लेकर मछली मारने तक में इनका उपयोग होता है। सुरेश को इनका इस्तेमाल करना आता था। उसने पास के गांव सिमला वदा निवासी बद्री पाटीदार से बड़ी संख्या में जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर खरीदे। सुरेश ने सबसे पहले भंवर लाल को विस्फोट से उड़ाने का प्रयास किया था। उसने खेत के ट्यूबवेल के स्टार्टर से डेटोनेटर और जिलेटिन को सेट कर दिया, लेकिन जिलेटिन की छड़ें कम थी, इसी वजह से हल्का विस्फोट हुआ। भंवर लाल बच गया। पुलिस ने जांच की लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चला। 6 महीने बीतने के बाद सुरेश ने अब लाला सिंह पर नजर रखनी शुरू कर दी। लाला सिंह फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर जाता था। उसने भंवर लाल जैसा प्लान तैयार किया। इस बार उसने जिलेटिन की 14 छड़े विस्फोट के लिए लगाए। लाला सिंह ने जैसे ही स्टार्टर का बटन दबाया, धमाके से उसके चिथड़े उड़ गए। ये धमाका इतनी तेज था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। रतलाम SP गौरव तिवारी ने बताया कि बिलपांग थाना पुलिस के साथ साइबर टीम और FSL टीम को जांच में लगाया गया। घटना वाले दिन पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि गांव के भंवर लाल के साथ भी इस तरह की घटना हो चुकी है। इससे ये बात साफ हो गई कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है।
जांच में पुलिस को पता चला कि सुरेश लोढ़ा घटना के दिन से ही परिवार के साथ गायब है। पुलिस की टीम ने उसे 6 जनवरी को मंदसौर के पास से पकड़ा। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देना कबूल किया। फिल्मी अंदाज में नक्सलियों के तरीके से बदला लेने वाला सुरेश अपने तीनों ही दुश्मनों को विस्फोट से उड़ाना चाहता था। इसमें भंवरलाल को उसकी किस्मत का सहारा मिला और दिनेश की जान आरोपी सुरेश के पकड़े जाने पर बच गई। लेकिन सुरेश की पत्नी से किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने भंवरलाल पाटीदार और दिनेश पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। इस घटना से एक बात तो साफ है कि बदले की आग किसी भी इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वो अपना इंतकाम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।